एक घर दे विचों 40 तोले सोना चोरी हो गया है ते नाल दी नाल ही 1 लाख रुपए भी चोर उड़ा के लै गए ने। तां ताले लगा के घर नूं व्याह ते गया सी पूरा परिवार, तां पिछों चोरां ने हाथ साफ कर दिता। 40 तोले सोना गोदरेज दियां अलमारियां भन के कल्ला चोर लै गया 40 तोले सोना ते 1 लाख रुपया कैश। जिहड़ा पूरा परिवार है वह व्याह ते गया होया सी, पिछों चोर वड्डा कांड कर गया। देख सकते हो तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं, जलंधर तो सामने आ रही ने, जिथे एक शख्स तुहानू गली दे विचों जिसके हाथ अंदर 2 लफाफे फड़े हुए ने। इन्हां लफाफिया के अंदर ही वह 40 तोले सोना यानी कि 400 ग्राम, परिवार के मुताबिक 24 से 25 लाख रुपए की जिहड़ी चोरी हुई है उन्होंने घर। मौके पर पुलिस भी आई, हुण छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी तस्वीरां दे मदद दे नाल चोर नूं लभण दी कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरां दिखा रहे हैं तुहानूं जलंधर तों, जिथे 40 तोले सोना लैके चोर फरार हो गया है। घर की दीवार टप के घर अंदर दाखिल होया, दरवाज़ा तोड़िया, अंदर अलमारियां भन्नियां अते मिंटों मिंट 40 तोले सोना लैके अते 1 लाख रुपए कैश लैके फरार हो गया है। आओ इस घर के मालिक अते मोहल्ले के कौंसलर तो जानते हैं कि चोरी किवें हुई, की गलबात हुई है। गलबात यह है भी 11:30 बजे असं इतों अज के एस रिसोर्ट मैरिज से गए हैं, मैं और मेरे मिसेज दोने गए हैं, तो पिछों वारदात हुई है, चोरी की वारदात। घर के ताले बाहरों लगे सी, गेट टप के इन्होंने वारदात की है। तो लॉस कोई ज्वेलरी का ज़्यादा होया, कोई कैश भी 1 लाख के करीब सी, ते बाकी चांदी दे कोई सैट सी, घड़ियाँ वगैरह बाहर लिया सी, 2-4 वो भी गायब हो गई है, लै गए। कोई टोटल किन्ना नुकसान? टोटल कोई नुकसान 25-26 लाख के करीब है। 40 तोले सोना ही सी ज़्यादातर, क्योंकि पहला सस्ते टाइम का जिहड़ा गहने गुणे लड़के लड़कियां दे नूह राणी दे घर ही पे सी, आते जाते वरतते सी, तो अजक महंगा हो गया है सोना, तो उन्होंने ज़्यादातर उन्होंने हाथ पाया। पुलिस ने कंप्लेंट की थी? कर दी है जी। कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह? नहीं नहीं लवाया है, तो फुटेज जड़िया आंढ़ी गुआढ़ी इधरों उधरों कलैक्ट करके पता लगा है कि एक बंदा जो एंटर हो गेट टप के वारदात की। मंग कर दें तुसी? मंग प्रशासन तो यही है कि इदां दी वारदात 20-25 साल तो असीं इत्थे रहे, इदां दी तो कोई सुनिया नहीं है, ना असीं देखिया ही अपने टाइम ते कोई चोरी का कोई इदां दा है होया केस, पहली बारी ये होया। छोटिया मोटिया वारदातां शहर विच भी असीं सुनते रहे हैं कि अजकल ये चलता है काम, तो सतर्क तो रही दा सी, पर पता नहीं हुंदा कि मौके दा कि इदां हो जाणी सी। ते दाखल किधर दी होया जिहड़ा वी व्यक्ति होया? दाखल गेट तो टप के अंदर दाखल, कोई उन्हें ताले वगैरह तोड़े है? रसोई दा तरल तोड़ के सर्विस विंडो तो विच्चों अंदर एंटर हो गया, अंदर दरवाजे खुले ही सी, स्टोर दा तारा फिर अगे जाके तोड़िया दरवाजे दा, ते अपना लै के 15-20 मिंट दे विच ही फुटेज तो पता लगता कि 15-20 मिंट दे विच ही उन्हें सारी वारदात नूं अंजाम दिता है। तो कौम 12:15 बजे एंट्री है उहदी लगती है, तो 12:15 दे करीब वो निकल जाता। सोने दे गहने सीगे जां चांदी दे? सोने दे सी ज़्यादा, 2 कसैट सी, नौ राणी दे सी, ते मेरे मिसेज दे सी, ते कुछ रिंग्स सी, जां 2-4 घड़ियां इंपोर्टेड सी, कोई गिफ्टेड बेटे दी वो चोरी हो गई, कोई चांदी का थोड़ा समान सी। टोटल 25 तो 25-26 दे करीब अप्रोक्सीमेट कह सकते अज दी डेट च। ठीक, हाँ जी सर, की नाम जी? हेमंत शर्मा, म्यूनसिपल कौंसलर वार्ड नंबर 4। कौंसलर साहब, अज फिर तुहाडे वार्ड दे विच चोरी हुई है, की कहना चाहोगे? साढ़े वास्ते ने बड़ी मंदभागी घटना हो रही है कि जिस तरह की रूटीन दे विच ही चोरियां हो रही सी, लेकिन जिहड़ी अज दी जिहड़ी चोरी है ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਘੜੀਆਂ,
ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵਾਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ 5ਵੀਂ ਚੋਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਰ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਯੂਸ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, IO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।